चलिए सर, सबसे पहले आज कौन सी सर्विस पड़ी? सर्विस प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर। तो बिल्कुल सिंपल फंडा, जब तक सिर्फ कंसीडरेशन में क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट, सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर। सर अगर इंटरेस्ट और डिस्काउंट के अलावा कोई कमीशन चार्ज हुई है तो सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। किस पे? पूरी ट्रांजेक्शन पे, कमीशन के अमाउंट पे? आइए जल्दी से बच्चों एग्जाम पॉइंट से कुछ देखते हैं। फिक्स डिपॉजिट सर्विस टैक्स या नो? नो सर। लोन ओवरड्राफ्ट? नो। मॉर्गेज से लोन लिया है सर, मॉर्गेज करके? नो सर। कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स? मेरे साथ बोलिए, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स? नो सर। इनवॉइस का आपने डिस्काउंट करा लिया, मैंने बोला था बच्चों जब तक सिर्फ डिस्काउंटिंग आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है, सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। ग्रेट। रेपोज एंड रिवर्स रेपो पे भी सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए सर, एक बार बच्चों ने खास बात पढ़ी कि अगर सर आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम पे कोई पैसा लिया गया तो उसमें सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा। सर इंटर से सेल याद है बच्चों, बैंक 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 ऑथराइज्ड डीलर और ऑथराइज्ड डीलर बैंक, इनकी भी मनी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए जी, देन ये पॉइंट बच्चों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें मैंने कहां पढ़ी थी? सेक्शन 65B क्लॉज 44। जब भी बच्चों ये वाला पॉइंट पढ़े तो सर प्लीज एक बार 65B 44 जरूर खोल कर देखें, उसकी सबसे पहले एक्सक्लूजन का पार्ट देखें और फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 टिम डज नॉट इंक्लूड जरूर देख लीजिएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इन पे भी सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, बट बीच में कोई क्या कमाई तो उसमें सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा। ग्रेट सर। और कुछ बातें जो डेफिनेशन ऑफ सर्विस में कवर्ड है सर, अगर आपने एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी ली है बीच में कमीशन है, सर्विस टैक्स? यस सर। आपने बिजनेस चिट फंड की सर्विस खोल रखी है तो फोरमैन ऑफ बिजनेस चिट फंड पे सर्विस टैक्स एप्लीकेबल। प्लीज ऑल्सो रेफर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ डेफिनेशन ऑफ सर्विस, टिम डज नॉट इंक्लूड। वहां तीन बातें आ गई हैं, जहां सेपरेट कमीशन हो सर, फोरमैन ऑफ चिट फंड एंड फैसिलिटेटर ऑफ लॉटरी, उन तीनों का सर्विस टैक्स है। सर बैंक से ड्राफ्ट बनवाया कमीशन पे करी, सर्विस टैक्स बोल दो होगा। देन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, खुद कर रहे हो, नो सर्विस टैक्स सर। लेकिन आपके ब्याह पे कोई और कर रहा हो बीच में तो सर्विस टैक्स बोल दो, शाबाश। देन डेट कलेक्शन सर्विस, सर्विस टैक्स होगा क्या? यस सर। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एटसेट्रा सर्विस टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर इसके लिए सर आपसे क्या लिया गया, कोई सर्विस चार्ज या कोई सर्विस फीस, तो बच्चों का सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा। ग्रेट। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो रहा है थ्रू आ, ऐसा बोले थ्रू व्हाट? स्टेज कैरेज, बोल दो जाओ बेटा थ्रू आ, स्टेज कैरेज। रेलवे इन अ क्लास अदर देन कौन कौन सी? फर्स्ट क्लास एंड एसी कोच, तो सर सर्विस टैक्स इन पे तो लगने वाला है। मेट्रो मोनोरेल ट्रेन पे सर्विस टैक्स नहीं होगा। इनलैंड वाटर वेज, लॉजिक समझाया था बच्चों आप लोगों को सर, इस पे भी सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, संदीप वाला एग्जांपल, हनीमून वाला एग्जांपल बच्चों याद रखेंगे सर, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया है तो बच्चों उसमें सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्रीडोमिनेंटली किस लिए यूज होता था? टूरिज्म पर्पस के लिए, तो बच्चों उसमें सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा। देन मीटर कैब, खाली पीली टैक्सी, ऑटो रिक्शा, इनके पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। रेडियो कैब, वेदर एयर कंडीशन और नॉन एयर कंडीशन, सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है। राइट। आइए देखो बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स याद रखिएगा बच्चों, इनके कनेक्शन में कुछ कुछ मेगा एग्जेम्पशंस भी हैं जो हम पढ़ने जाएंगे, अभी हम पढ़ेंगे भी, लेकिन सर वो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल होगा, उसमें मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो मैं नेगेटिव लिस्ट आपसे बार बार पूछूंगा। तो जब भी आप अगली बार जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये पढ़ते समय इसकी रेलेवेंट क्या पढ़ लेंगे, मेगा एग्जेम्पशन। राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बच्चों, जीटीए कोरियर एजेंसी सर्विस टैक्स है, अदरवाइज सर्विस टैक्स नहीं है। एयरक्राफ्ट वेसल, तो जब पहले कस्टम स्टेशन में आ रहे हैं तो सर्विस टैक्स नहीं है। तीसरा, इनलैंड वाटर वेज से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन गुड्स कर रहे हैं तो सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो बच्चों ये थी आपकी नेगेटिव लिस्ट, एक बार बच्चों को जरूर रिवाइज करेंगे घर जाके। हमने सिर्फ 3-4 क्वेश्चन देखे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों उसके आएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक तरह क्वेश्चन और आ सकता है, वो इससे भी आसान होगा। एक बार आया भी था, नीचे चार सर्विस दे दी और पूछ रहे हैं वेदर दे आर कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट और नॉट, वो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। राइट। चलिए सर,